खबर मैनपुरी से, आम का पेड़ काटने के विवाद में दबंगों ने की धारदार हथियार से मारपीट। दबंगों के हमले से एक महिला सहित तीन लोग हुए गंभीर घायल। दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ की जमकर मारपीट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दबंग पीड़ित परिवार के ऊपर हमला करके हुए फरार। पीड़ित परिवार की शिकायत, पुलिस ने दबंगों के खिलाफ नहीं की कोई कार्यवाही। पूरा मामला थाना ओछा के ग्राम नगला राम सिंह का है। कीर्ति, ये क्या हुआ, कैसे लड़ाई देंगे, किस बात को लेके हुआ, किससे बात किया? अरे बात ये कहते चला रहे थे खेत में, अंकल जी ने पेड़ आम का काट दिया, उसकी कई कहवे तुम घर पे कोई हता नहीं, जेठ जाए भाई शादी करने गए, इन्हें घर में घुस के हमारे घर में घुस के मारो, जब मैं कल फिर इन्हें पाए छू ले तब शांति बैठी। आपके आपके ये कौन है जो घायल पति है, पति को किस चीज से प्रहार किया गया है? गड़सा से, गड़सा से हाथ में लगा, सिर में लगा। हाँ भाई अर्जी जो हम भाग के हम लोग गए। किस गांव का मामला है? नगला राम सिंह। थाना कौन सा पड़ता है? ओछा। ओछा थाने का है। कितने लोग घायल है इसमें? इसमें हम और ये और माई जेठ तीन लोग और बनाए जा रिश्तेदार आए थे, उनके हम चोट बाय में आए। तो अभी सैफ ही आपके हस्बैंड को रेफर कर दिया गया? हाँ जी। का उमेश नाम है बाबू। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके भाई के साथ? हुई, हमारा भाई ट्रैक्टर चला रहा था, कल इन्होंने एक आम का पेड़ काटा सर हमारे खेत में, ब्रिजेश ने, सनोब नेत्रपाल के लड़के ने और सत्येंद्र के लड़के ने, आदित्य ने, तो हमने कही सुनी तो सर इतने पे इन्होंने लाठी डंडा लेके मारने लगे, और ब्रिजेश सुबह हमारा भाई ट्रैक्टर चला रहा था तो कुल्हाड़ी लेके और मतलब ये मारने सिर में कुल्हाड़ी मार दी जाके सर, काट दिया कुल्हाड़ी से काटा सर। अच्छा, किस गांव का ये मामला है? ये सर नगला राम सिंह का है, ओछा थाना लगता है सर। ओछा थाना। हाँ, सर, तो आप और पुलिस सर कोई सुनवाई नहीं कर रही। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? तीन लोग घायल हैं।